Hello everyone, welcome back to my channel. I am your coach Annie and I am here to help you with your spoken English, your vocabulary and your communication skills. And aaj ke video mein main aaj ek bahut hi zyada requested question ke bare mein baat karne wali hu. Aur wo question hai, kya hum bina grammar seekhe English seekh sakte hain? Bina grammar ke kya hum English seekh sakte hain? मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि बिना ग्रामर के क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं. मे बी उनको ग्रामर कभी पढ़ाया नहीं गया हो या वो ग्रामर नहीं सीख सकते बट फिर भी उन्हें इंग्लिश सीखना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ग्रामर स्किप करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ग्रामर जो है कोई भी लैंग्वेज का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है कोई भी लैंग्वेज का, क्योंकि सही गलत का फर्क और सही सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी है वो आप ग्रामर में ही सीखते हो. तो हम ग्रामर को लैंग्वेज से सेपरेट नहीं कर सकते हैं एंड ग्रामर जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का या कोई भी लैंग्वेज का. पर हाँ, ये पॉसिबल है कि हम बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश में बोल सकते हैं, बिना ग्रामर के भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं. ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स जो है वो मेरे से डिसएग्री करेंगे, बट आप जरा सोचिए, ठीक है? जब आप बोलना सीखे थे, ऑफ कोर्स आपकी मदर टंग में बोलना सीखे थे, हिंदी मराठी जो भी होगा, ठीक है, तो तब आप कैसे सीखे थे? क्या आपको किसी ने ग्रामर पढ़ाया था कि ये ऐसे शब्द होते हैं, ये वर्ब होता है, या यू नो ये सेंटेंस ऐसे फॉर्म होते हैं? क्या आपको किसी ने पढ़ाया था ग्रामर, या आप ऐसे ही बोलना सीखे थे? तो इसका एक ऑब्वियस आंसर है कि हाँ, हम ऐसे ही बोलना सीखे थे, सुन के, लोगों को ऑब्जर्व करके, खुद ट्राई करके, वो यू नो सराउंडिंग में रह के. तो तब हमने ग्रामर नहीं सीखा था. और इंग्लिश के साथ भी आप सिमिलरली ऐसा ही कर सकते हैं. आप बिना इंग्लिश के, आप बिना ग्रामर के भी इंग्लिश सीख सकते हैं. अभी एक चीज आप नोटिस करना, देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं या जो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होते हैं, तो वहां पे लाइक उनकी मदर टंग इंग्लिश है, बच्चा भी इंग्लिश में बोल पाता है. तो हमको ऐसा लगता है कि यू नो बच्चा भी बोल पा रहा है और हम इतने बड़े होकर नहीं बोल रहे हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है. इसमें सिर्फ एक चीज मैटर करता है, जो है सराउंडिंग. उनका सराउंडिंग इंग्लिश का है, इसीलिए वो इंग्लिश में अच्छे से बोल पाते हैं, जैसे आप आपकी मदर टंग में अच्छे से बोल पाते हो. तो हमको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारी नेचुरल सराउंडिंग इंग्लिश नहीं है. तो हमको आर्टिफिशियली इंग्लिश सराउंडिंग क्रिएट करनी है. आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग इसका क्या मतलब होता है, आपको आपके सराउंडिंग में, आपके डेली हैबिट्स में, डेली रूटीन में एक इंग्लिश एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो आपको आपकी यू नो इंग्लिश बोलने में मदद करेगा. बिना ग्रामर के आप इंग्लिश सीख सकते हो जब आप आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग क्रिएट करते हो. इसका मतलब आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप ले रहे हो बाहर से एक्सटर्नली, जो भी कंटेंट हुआ, मूवीज, सॉन्ग्स, बुक्स, जो भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो अगर इंग्लिश में हुआ. एंड दूसरी चीज कंटेंट क्रिएशन, आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, वो अगर आप इंग्लिश में स्विच करते हो, तो आप कंटेंट क्रिएशन सॉरी तो आप कंटेंट कंजम्पशन और कंटेंट क्रिएशन अगर दोनों भी इंग्लिश में करने लग जाओगे, तो ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग. एंड ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि लैंग्वेज यूज करके ही सीखी जाती है. लाइक आप ऐसे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, दैट्स इट, आपका टाइम उसमें यू नो कंज्यूम हो जाएगा. आप टाइम तो उसमें देंगे, आप टाइम तो दोगे वो लैंग्वेज को सीखने को, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो यूज करके ही सीखी जाती है. तो आप ये आर्टिफिशियल इंग्लिश सराउंडिंग कैसे क्रिएट करोगे, ये एक्चुअली कैसे करोगे,
ये कौन बताएगा? डोंट वरी, मैं बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हम इंग्लिश जब सीखते हैं या बोलते भी हैं, हम एक गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये ही गलती करते हैं, एंड इसी गलती के कारण वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। ये एक ही गलती है, आप ये एक गलती स्टॉप कर दोगे तो आप मैजिकली ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाओगे। ये एक गलती जो सब लोग करते हैं वो है ट्रांसलेशन। आप क्या करते हो, आप पहले आपकी मदर टंग में सोचते हो, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो एंड फिर बोलते हो। तो ये ट्रांसलेशन का जो चक्कर है, मैं सेंटेंस सही बना रही हूँ या नहीं, मेरा वर्ब सही है या नहीं, मैं जो वर्ड्स यूज कर रही हूँ वो सही है या नहीं, ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं, ये सब चीज़ों में आप भूल जाते हो आपको क्या बोलना है, एंड वो नेचुरल फ्लुएंसी जो है वो नहीं आ पाता। दैट इज व्हाई यू गेट स्टक। आप स्टक फील करते हो इंग्लिश में बात करने के लिए, क्योंकि आप आपकी मदर टंग से ट्रांसलेट करते हो। आपका ब्रेन, आपके जो थिंकिंग है वो आपके माउथ से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब आप जो बोल, जो सोच रहे हो वो ही बोलना चाहिए आपने, जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो। उससे क्या है, फ्लुएंसी आएगी, एंड जब आप ट्रांसलेट करते हो ये फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, थिंक इन इंग्लिश। लिटरली थिंकिंग इन इंग्लिश विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ योर फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, सोचना है इंग्लिश में, आपके ब्रेन को फोर्स करना है इंग्लिश में सोचने के लिए। आई नो हम नॉर्मली इंग्लिश में नहीं सोचता है, आप आपकी मदर टंग में सोचते हो, तो आप जब भी सोच रहे हो एंड आप खुद को कैच करो कि चलो ठीक है, मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ इस बारे में, इंग्लिश में सोचते हैं। आपको खुद को थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आपको फोर्स करना होगा खुद को, खुद के ब्रेन को, कि इंग्लिश में सोचते हैं। चलो वेन एवर यू कैच योर सेल्फ थिंकिंग, जब भी आप खुद को लाइक पकड़ते हो, कैच करते हो सोचते वक्त, तो आप खुद को बोलो कि ठीक है मैं सोच रहा हूँ बट इंग्लिश में करते हैं। लेट्स डू इट इन इंग्लिश, लेट्स थिंक इन इंग्लिश। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, आपका जो भी फ्लुएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो चले जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज है। एंड आप दूसरी चीज जो कर सकते हो इंग्लिश में सोचने के लिए, आप एक हाउ टू नरेट करो आपके माइंड में। आप जब भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे आपका मेंटल फोकस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला रहे हो या घर में कुकिंग कर रहे हो या घर की साफ सफाई कर रहे हो, तब आपका मेंटल फोकस उतना नहीं चाहिए होता है। तब आप क्या करो, डिस्क्राइब करो आप जो भी कर रहे हो इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग कर रहे हो तो आप डिस्क्राइब करो कि आई एम कटिंग एन अनियन नाउ, द अनियन इज रेड इन कलर, That's making me cry. I am preparing butter chicken. ऐसे जो भी है आप कर रहे हो, you just describe it in your head in English. I am cleaning my room right now. It is very messy. It's not clean. I need to change my bed sheet. I need to organize my wardrobe, my cupboard, my clothes. I need to wash the clothes. ये सब जो चीजें हैं वो आप English में describe करो। जैसे जैसे आप कोई काम कर रहे हो उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करते जाओ। इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग कैपेसिटी जो है इंग्लिश में वो बढ़ेगा, एंड आपकी वोकैबलरी भी बढ़ेगी, आपकी पैसिव वोकैबलरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जो वर्ड्स आपको आते हैं बट आप कहीं स्टोर करके रखते हो, यूज नहीं करते हो, वो वर्ड्स भी आप यूज करने लग जाओगे। सो यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। दूसरी चीज, कंज्यूम कॉन्टेंट इन इंग्लिश ओनली। आप अगर गाने सुनते हो, इंग्लिश गाने सुनो। आप अगर मूवीज देखते हो, सीरीज देखना पसंद करते हो, इंग्लिश में सुनो। इंग्लिश में देखो। न्यूज आप अगर सुनते हो, न्यूज देखते हो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश चैनल्स देखो। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो कमेंट्री इंग्लिश में रहने दो। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो। लिटरली यूट्यूब पे इतना सारा फ्री मटेरियल है आपके लिए, आप नहीं एडवांटेज लेते हो, यू डोंट यूज यूट्यूब प्रॉपरली, बट हाँ आप बहुत सारे ऐसे ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट ऐसे सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, मूवीज वगैरह देख सकते हो। जस्ट आप जो भी
कंटेंट ले रहे हो वो इंग्लिश में कर दो। इससे क्या होगा, आपका आर्टिफिशियल सराउंडिंग इंग्लिश का वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको जो भी आप कंटेंट ले रहे हो उसको इंग्लिश में ही लो। एंड दूसरी चीज आपको ये करनी है वो है कंटेंट क्रिएशन। आप लिखो एक पेज एवरी डे, डायरी लिखो, वो भी आपके थिंकिंग इन इंग्लिश के लिए हेल्प होगा। सेकेंडली आप बोलो। अभी हमारा गोल क्या है, हमारा फोकस क्या है, टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप स्पीकिंग ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा। तो आप क्या करो, एवरी डे 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मिरर के सामने आप खड़े रहो एंड कोई भी टॉपिक पे आप बात करना शुरू हो जाओ इंग्लिश में, वो भी आउट लाउड, मन में नहीं, लाउडली, जोर से बोलना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपके ब्रेन को, आपके माउथ को एक हैबिट हो जाएंगी इंग्लिश में बात करने की। एंड ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर इन इंग्लिश, यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग। आप कोई भी चीज के बारे में बात कर सकते हो, आपके लाइफ, आपके गोल्स, हाउ वॉज योर डे, आपके फैमिली, आपके हॉबीज, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के बारे में भी आप बात कर सकते हो आउट लाउड 10 मिनट। ओके, आई नो थोड़ा सिली लगेगा पहले की खुद से बात करना, बट अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी फ्लुएंट इसी वजह से हुई हूँ। मैं भी जब मैं स्कूल में थी तब मैं मिरर के सामने बैठ जाती थी और प्रिटेंड करती थी कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ एंड कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है एंड मैं वो आंसर्स, वो क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगी इंग्लिश में। एंड आई यूज टू टॉक आउट लाउड, वो आंसर्स मैं आउट लाउड देती थी। एंड वो एक्सरसाइज के वजह से आज आई एम फ्लुएंट, आई एम वेरी फ्लुएंट एट इंग्लिश, आई एम लिटरली अ कम्युनिकेशन स्किल्स कोच, आई एम एन इंग्लिश टीचर। तो आई थिंक कि वो जो मैंने एक्सरसाइज किया था पास्ट में, चाइल्डहुड में, उसके वजह से अभी मेरा फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छे लेवल पे है। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ये सच में बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, पागलपन खुद से बात करना, एंड लिटरली बताओ तो ऐसे चीज़ों से ही आप कुछ कर सकते हो। आप जो एवरी डे करते हो, नॉर्मली करते हो, उससे तो आप नहीं इम्प्रूव कर रहे हो इंग्लिश। तो ये एक पागल मेथड ट्राई करके देखो एंड आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू। नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि डोंट लर्न वर्ड्स। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे 10 new words एवरी डे वो कैबलरी इम्प्रूव करने के लिए, उससे कुछ फायदा नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप वो वर्ड देखते हो, उसको रट्टा मारते हो, भूल जाते हो, आप कभी वो वर्ड यूज भी नहीं करने वाले हो। आप क्या करो, एक पेज एवरी डे रीड करो, न्यूज़पेपर हो या कोई बुक हो, एक पेज एवरी डे रीड करो। उससे आप जो वर्ड्स लर्न करते हो या वो वर्ड्स जो देखते हो, वो वर्ड्स के पीछे आपको बैकग्राउंड पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है कि कौन से सिचुएशन में हमने वो वर्ड यूज किया था। तो फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आई तो आपके ब्रेन को पता होगा कि अच्छा ये वर्ड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ोगे विदाउट स्टोरी, विदाउट उसके पीछे का बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, तो वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेट द वर्ड्स कम टू यू, यू डोंट गो टू द वर्ड्स। मतलब आप ऐसे एक्टिवली 10 new words 15 new words ऐसे मत पढ़ो, लेट द वर्ड्स कम टू यू। कुछ बुक पढ़ के आप न्यू वर्ड्स सीख लिए, कुछ मूवी देख के आप न्यू वर्ड्स सीख लिए, सो यू डोंट गो टू द वर्ड्स, लेट द वर्ड्स कम टू यू। एंड ये एक होता है नेचुरल मेथड जो है वो कैबलरी बिल्डिंग करने का। एंड आपको करना ही है तो फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस लर्न करो, वर्ड्स नहीं, सेंटेंसेस लर्न करो, वर्ड्स नहीं। मतलब मेरा मानना है कि सिर्फ वर्ड्स लर्न करने से वो आप वो वर्ड्स यूज नहीं करने वाले हो, तो आप उससे अच्छा फ्रेजेस और सेंटेंसेस लर्न करो जो आप एक्चुअली यूज कर पाओ, बिकॉज ये कंप्लीट सेंटेंस है, आप ये यूज कर सकते हो, वो एक वर्ड आप भूल जाओगे। तो इसीलिए अगर आप कर रहे हो वोकैबुलरी इंप्रूव तो सेंटेंसेस लर्न करो, ना कि सिर्फ वर्ड्स। एंड लास्टली टॉक टू ऑलरेडी फ्लुएंट पीपल। जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा बोल पाते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके सीनियर्स, आपका बॉस, मे बी कोई भी ऐसे पर्सन, आपके नेबर्स, कोई भी ऐसा पर्सन, आपके टीचर्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंग्लिश में फ्लुएंट है, ओके, उनसे आप बात करो। आप ऑफकोर्स थोड़ा टाइम डरोगे, नर्वसनेस फील होगा, बट
उतना ही देर होगा, वो थोड़ी देर, आप जब उसको एक हैबिट बनाते हो तब वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। हमारा पर्पस क्या है, इंग्लिश को डेली बनाना, डेली हैबिट, डेली रूटीन। आप ऑफ कोर्स अगर इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो हफ्ते में एक बार, हाँ 2 हफ्ते में एक बार, तो ऑफ कोर्स आपको नर्वसनेस फील होगा। बट आप यही इंग्लिश अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज आप बात कर रहे हो इंग्लिश में, तो आप लर्नर नहीं, आप स्पीकर हो। यू आर नॉट, इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एवरी डे, यू आर नॉट एन इंग्लिश लर्नर, यू ऑलरेडी आर एन इंग्लिश स्पीकर, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव सम ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ऑलरेडी फ्लुएंट पीपल से बात करो, एवरी डे कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन आप इंग्लिश में करो। जब तक आप वो डेली हैबिट नहीं बनाते हो तब तक वो फ्लुएंसी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टॉक टू ऑलरेडी फ्लुएंट पीपल। आई नो कि लाइक ये कुछ मैजिक रूटीन नहीं है, इंस्टेंटली नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब चीजें 1 महीना भी डेडिकेटेडली अगर आप करते हो तो इम्प्रूवमेंट जो है वो आप खुद ही देख पाओगे। आप खुद ही मुझे बोलोगे कि एनी मैम आपने सही बोला, कि एनी यू आर करेक्ट। 1 महीना सिर्फ आप ये डेलिजेंटली डेडिकेटेडली ये एक चीज आप करके देखो, यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड लास्टली डोंट फर्गेट दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, यू विल बी एबल टू लर्न इट। द मोर यू कंज्यूम इट एवरी डे, द मोर यू क्रिएट इट एवरी डे, द मोर यू यूज इट, द मोर यूल गेट बेटर एट इट। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, डोंट स्ट्रेस अ लॉट अबाउट इट। एंड दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवेंट ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।